अभी हम बढ़ रहे हैं अपने कैंप की ओर। ये आ गया पहला टेंट, भागा। और ये हमारे जो लीडर है उनका कैंप है चंद्रा। और ऐसे ही है सामने बारालशा, और वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा क्या है। और ये हमारे जो वाटर प्रूफ हमारा जो लगेज है उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए बैग हैं ये हमारे पास। और ये हमारी पैकिंग, तो बस अभी जैकेट डालनी है और रेनकोट डालना है और हम हो जाएंगे तैयार। सिकंदर जी ने पूरी तैयारी कर ली है, बस अब हम रह गए हैं तैयारी के लिए। और ये हमने तैयारी कर ली है, तो आप देख सकते हैं हमने रेनकोट वगैरह डाल लिया है। अभी तो रह गया हमारा जो लगेज है उसको अभी हम वाटर प्रूफ करेंगे। तो बैग हो गए हैं वाटर प्रूफ, सही है ना? तो बिल्कुल सही है, इन्ना महीना कट्ठा कर रहे ने मड्डा हो जाना। मन गुरप्रीत बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपना लगेज को वाटर प्रूफ करने के लिए, और बहुत ही जोर लगा रहे हैं कहीं ऐसे ही ना टूट ही जाए रस्सी। जब तक आपको मैं व्यू भी दिखा देता हूँ। और ये रहा, ये है भागा रिवर जो कि आगे चंद्रा रिवर से मिलेगा। और सारी तैयारी हो रखी है और बस सबने अभी लगेज जो है वो लोड करना है। तो अजय हमारा दूसरा दिन है आज, और मन गुरप्रीत भी हमारा रेडी हो चुका है क्योंकि इसे ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। तो आप कभी भी कहलाऊंग आए तो जरूर जरूर ब्लू पाइन रिजॉर्ट में जरूर ठहरें, क्योंकि ये बेस्ट यहाँ का एक कैंपिंग साइट है। और यहाँ पे मन गुरप्रीत अपना थोड़ा हार श्रृंगार करते हुए, तो यहाँ के ऑनर भी बहुत अच्छे थे और रेट भी काफ़ी रीजनेबल थे जैसे आपको बताया ही है, और फूड भी ऑसम था। तो बस अभी यहाँ से हमारी निकलने की तैयारी है ताकि हम जो है टाइम पे चंद्रताल लेक पे पहुंच जाए। और वो लड़का आ रहा है हमारा लगेज उठाने के लिए, अभी हम इसे करेंगे बाइक पे लोड। सब निकल ही रहे हैं यहाँ से, तो बैग तो लड़का ले गया है उठा के। बाय बाय ब्लू पाइन, पाइन है क्या? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ रुक के आज ब्लू पाइन में, बिल्कुल नेचर के साथ जुड़ा हुआ। ये छोटी सी वाटर स्ट्रीम बहुत ही अच्छी लग रही है। सभी बाइकर्स तैयार हैं, हम भी जाके जल्दी से अपना लगेज जो है लोड करेंगे अपनी बाइक पे। तो सभी राइडर रेडी हैं और हम भी रेडी हैं।
ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ बिल्कुल रेडी सभी राइट के लिए। वो फ्रंट में जो है वो है ओनर यहाँ के विजय जी। ओके विजय सर जरूर जरूर बिल्कुल। तो फाइनली हम जा रहे हैं चंद्रताल लेक को, तो देखते हैं कैसा वेदर मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे तो काफ़ी बारिश हो रखी है पहले ही और अभी हम भी गर्म नहीं हुए हैं। पूरे यहाँ पे फिर से गारा गारा गारा। पहले ही बड़े गियर में रखना चाहिए इसे ताकि इन बिटवीन हमें चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ